top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के अंदर कुछ घटनाएं घटी जिससे सारी दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में। धर्मों के बीच में कुछ दंगे कराने की कोशिश की गई, कुछ चर्च, एक चर्च को आग लगा दी गई, कुछ चर्च हैं जिनके ऊपर हमले किए गए। दिल्ली के लोग शांति के लिए पिछले 35 साल में दिल्ली में इस किस्म की कभी हम लोगों ने घटनाएं नहीं देखी। दिल्ली के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के अंदर में नहीं आती है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि हम दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाएंगे जिसमें हर हिंदू सुरक्षित महसूस कर सके, हर मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, हर क्रिश्चियन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, हर सिख अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, हर धर्म हर जाति का लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मैं अभी प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था। प्रधानमंत्री जी को मैंने यही कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन चाहते हैं, सकारात्मक सहयोग चाहते हैं। हम केंद्र सरकार के हर अच्छे काम में सहयोग देंगे और हम यही चाहते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को एक अच्छा बेहतर शहर बनाने की कोशिश करें, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करेंगे। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ती रही। लोकसभा चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को वादा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी को यही कहा कि भगवान ने इसे सुनहरा मौका नहीं दे सका। दिल्ली के अंदर हमारा पूर्ण बहुमत है, केंद्र के अंदर आपका पूर्ण बहुमत है। अगर मैं और आप हम दोनों ये बात मान लें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो दिल्ली के अंदर जब घटनाएं घटती हैं, जब बलात्कार होते हैं, जब अपराध के लिए अपराध बढ़ते हैं, तो प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि दिल्ली के लिए वो समय दे सके। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली वालों पे छोड़ दीजिए, आप पूरे देश को चलाइए, पूरे देश में आप।